रागाद्याक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने देवादिदेव एक हजार श्री शीतलनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की नगर गौरव त्रय मुनिराजों की तीन कम नौ करोड़ मुनिराजों की परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की जहां तक जीवन में उद्धार का प्रश्न है उद्धार कोई ना कोई आधार चाहता है और आधार वही व्यक्ति बना सकता कभी आपने यदि देखा हो किसी भवन का निर्माण हुआ हो तो आधार शिला जहां रहती है वो कभी देखने में आती नहीं आती आधार शिला के बाद जिस प्लिंथ बनने के बाद भवन का निर्माण होना हो जिस पत्थर से हुआ हो वो पत्थर नीचे फाउंडेशन में डाले तो जाते पत्थर लेकिन कार्विंग वाले नहीं जो अनगढ़ पत्थर होते हैं वो फाउंडेशन में डाले जाते और जो नक्काशी और कंगूरेदार होते हैं वो फाउंडेशन के ऊपर आते हैं दोनों पत्थर ऐसी उद्धार की जो आधारशिला है वो अक्सर उन अनगढ़ पत्थरों से भरी जाती और उस आधारशिला के बनने के बाद और जब नींव तैयार हो जाती फिर ऐसी दूसरों को दिखाने और रजाने लायक जीवन शैली से दूसरों को एक आदर्श बनने की प्रेरणा दी जाती है अब जब बात आती कि फाउंडेशन के नीचे तो वो सारे पत्थर गए जिनको देखने की इच्छा किसी को नहीं होती एक आध बार कोई ऐसी बेश कीमती कोई पत्थर जो फाउंडेशन के नीचे दबा दिया गया हो तब तो फिर किसी को पता लग जाए तो वो फाउंडेशन को खोद के भी देखने की इच्छा करे लेकिन जब सबको विश्वास हो जाए कि फाउंडेशन में तो वो पत्थर होंगे इनकी देखने में बहुत ज्यादा उत्साह नहीं होगा लेकिन ऊपर के उत्साह बढ़ाने वाले पत्थरों को देख करके ये अवश्य है कि हमारे जीवन में उसमें कुछ अपना आदर्श देखने का भी और आलस भगाने का भी मानस तैयार हो सकता अब जब इमारत बन करके तैयार होती है इमारत यदि उद्धार की बनाना चाहते हैं तो उसकी फाउंडेशन में किस चीज के पत्थर डाले जाएं? आप लोगों के जीवन में उद्धार यदि आस्था का विषय हो तो वही मानते हैं जो पूज्य गुरुदेव रास्ता स्वयं चुने और उनके शिष्यों को चुनने के लिए बोल गए लेकिन आप लोग के जीवन में जब लौकिक उद्धार की बात हो तो लौकिक उद्धार के लिए आप क्या चाहते हैं अच्छी सुख सुविधाएं हों अच्छे अर्थोपार्जन के उपाय हों
अच्छे और हमारे परिवार में सुकून हो, ताकि किसी प्रकार से दिमाग में हलचल और उथल पुथल ना हो। यही सब आपके जीवन के उद्धार आप मानते हैं, कुछ और भी मानते होंगे जो इन्हीं सब में इंक्लूड हो जाएंगे। जिसको अपने लौकिक जीवन में लौकिक उद्धार की अभ्यास हो जाती है, फिर वही अभ्यस्त व्यक्ति पारमार्थिक जीवन में भी उसका अनुभव नए दिशा में और नए प्रयोग के साथ अंजाम दे पाता है। बोलते ना, जो कम में सूरा सो धम में सूरा। ये जो सूत्र है, ये सूत्र ही बताया जा रहा है कि पत्थर दोनों एक जैसे हैं। फाउंडेशन में डाले गए वो भी पत्थर वही पत्थर हैं, और जो ऊपर इमारत बनाने वाले पत्थर वो भी पत्थर ही है। लेकिन इमारत बनाने वाले पत्थर सबके लिए आकर्षित करने वाले होते, लेकिन फाउंडेशन में डाले गए पत्थर भी उस इमारत को थामने वाले होते। यदि वो फाउंडेशन में जितने ऊपर मजबूत पत्थर हैं उससे कमजोर डाल दिए जाएं, तो इमारत कब तक ठहरेगी बताओ? कभी बनाया ऐसा मकान आपने? बल्कि इमारत भली ईंट की बनानी हो, लेकिन फाउंडेशन कभी ईंट की किसी ने बनाई हो तो बताओ क्यों? बहुत नगर की बात करते हो, नगर की बात तो बहुत करते हो। किसी ने आज तक इमारत को ईंटों से बनाया हो तो ठीक है, लेकिन फाउंडेशन ईंटों से बनाई हो, ऊपर यदि आपको थर्माकोल का भी भवन बनाना हो, जब हमारे पास हो जाएगी कुवत तो हम बना लेंगे पत्थर का, लेकिन फाउंडेशन तो हमेशा थर्माकोल की या ईंटों की बनाने की किसी ने जरूरत महसूस नहीं की। इसका मतलब फाउंडेशन तो मजबूत हो, उसके बाद जितनी कुवत हो उतना हम काम कर लेंगे। ऐसे ही लौकिक जीवन में उन्नति की आधार की फाउंडेशन जब मजबूत हो जाती है, तब जाकर के परमार्थ की इमारत उस पर बहुत दिन तक टिक पाती है। महाराज सुनते तो हम ये हैं कि लौकिक जीवन में जिन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया, वो जाकर के बाद में सन्यासी बन गए, और सन्यासी बनने के बाद बड़ा काम करने लग गए। कुछ नहीं करने का मतलब दुनिया में सबसे बड़ा करना है कुछ नहीं करना। सबसे बड़ा करना कुछ नहीं करना, हाँ, हाथ पे हाथ धर के बैठना बहुत बड़ा करना माना जाता है। बैठ के देख तो लो, एक आदमी भगवान के सामने बैठते हो, शीतलनाथ भगवान के सामने कितनी देर बैठ पाते? महाराज दुनिया के सारे विचार और उल्टे सीधे विचार उसी समय आते जब हाथ पे हाथ धर के बैठते। अब सोचो, हाथ पे हाथ धर के बैठ करके जितना दूसरों के सामने तुम आदर्श दिख रहे हो, उतने भीतर से आदर्श बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। बैठ तो रहो, जब कुछ कर रहे हैं तब जाके विचार इतने खराब नहीं आते होंगे आपके लोगों के मन में, लेकिन जैसे ही करना बंद करते हो सारे विचार आते हैं, अच्छे भी आते बुरे भी आते। तो उस समय अपने बुरे विचारों पर काबू पाना, वो भी हाथ पैर चलाए बगैर पाना, बहुत बड़ी कसरत है। और ये कसरत करना जो सीख जाता है, उसी की फाउंडेशन भी मजबूत दिखती नजर आती और उसी की इमारत भी बहुत मजबूत बन जाती। कैसे हो, कैसे करें? आप लोगों ने भी हमने जैसे उदाहरण दिया गांधारी का, प्रवचन प्रारंभ होने के पूर्व वही दृष्टांत अभी याद आ रहा किसी अलग प्रसंग में, क्योंकि अध्यात्म को प्राप्त करने के लिए अध्यात्म के पीछे छुपे हुए रहस्य को पकड़ पाना भी बहुत आवश्यक है। और अध्यात्म के रहस्य को पकड़ने के लिए इससे विपरीत हम जो कर रहे हैं उसकी गलतियों और गलतियों के परिणाम को समझना भी आवश्यक है। क्या हो रहा है इस तरफ? अब सुनो, नाम सुना आपने गांधारी का? सबने सुना महाराज, नाम भी सुना है और कुछ लोग तो वैसे काम भी करते रहते हैं। आपके यहां नहीं, हम कहीं और की बात कर रहे हैं। जो भी बात आपको पसंद नहीं आया ये समझना कि ये मुंगावली की नहीं, कहीं और की बात कर रहे हैं। और जो आपको अच्छी लगे समझना मुंगावली की है। कम से कम यदि आपको ये वाली बात अच्छी लगी तो उसकी अनुमोदना कर लो, बहुत स्वार्थी हो। जब खुद की तारीफ की बात आए तुरंत ताली बज जाती है। ताली जब बजाओ जब तुम्हारी थोड़ी अंदर से खुरापात बाहर आए। तो गांधारी जिसके बारे में प्रसिद्धि लौकिक मान्यता के हिसाब से बोल रहे हैं,
बाकी पांडव पुराण में अथवा हरिवंश पुराण में क्या विषय है वो हम अभी लाना नहीं चाहते। उदाहरण तो लौकिक ज्यादा समझ में आते हैं, ये उदाहरण मान के चलना क्या है इसके पीछे ये सत्य है कि नहीं है ये महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं लौकिक जीवन में घटना आसान है और घटती ही रहती हैं। तो हम उस हवाले से प्रसंग लाना चाह रहे हैं जो आपने देखा भी है और सुना भी है कि गांधारी ने अपनी आंख पे पट्टी बांध के रखी थी ना, क्यों रखी थी ये भी आप जानते होंगे, क्योंकि उनके पति धृतराष्ट्र अंधे थे। तो समानता के अधिकार की जो बात रखते हैं कि पुरुषों के बराबर समान अधिकार हमें मिले, पहले की महिलाएं समानता के अधिकार की बात नहीं करती थी, समानता और बल्कि उससे बढ़कर एक कर्तव्य निभाने की बात करती थी। तब जाकर के वो भले ही आंख पे पट्टी बांध ले, लेकिन आंख पे पट्टी बांधने के बाद दुनिया को भले ही ना देख पा रही हो, दुनिया उनको देखने के लिए हमेशा तैयार रहती थी कि इसको बोलते हैं समर्पण की पराकाष्ठा। आज वुमन लिबरलाइजेशन, वुमन एम्पावरमेंट, यूनिफॉर्मिटी, ये सब बातें तो बहुत कही जाती है कि नारी स्वतंत्र, नारी सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण, ये नारे बहुत दिए जाते हैं, लेकिन ये सारे नारे बताते हैं कि आप अधिकार की बात कहते हो, लेकिन कर्तव्यों की ओर जब दृष्टिपात करोगे तो आज वर्तमान में बहुत विरले उदाहरण देखने को मिलेंगे और पुराणों में सारे उदाहरण नारियों के अपने कर्तव्य के उत्थान के अवश्य देखने को मिलेंगे। तो उन्होंने आंख में पट्टी बांध ली, पट्टी तो बांध ली, लेकिन उसके पश्चात जब महाभारत का युद्ध हुआ, कौरव और पांडव ये दो पक्ष आमने सामने थे, सबको ज्ञात है, और कौरव संख्या में 100 थे, पांडव संख्या में 5 थे। गांधारी पुत्र व्यामोह में इतनी ग्रसित थी कि अपने पुत्रों को सिर्फ वो 100 के रूप में गिनती थी, और कुंती का इतना विशाल हृदय था कि भले ही हस्तिनापुर में अथवा इंद्रप्रस्थ में 100 और 5 जने आए, लेकिन हमेशा अपने बच्चों को संदेश देती कि जब भी तुम बाहर जाओ तो अपने आप को 105 के रूप में प्रस्तुत करना, ना कि 100 और 5 के रूप। ये कुंती के विचार थे और गांधारी के विचार से सब परिचित हैं ही। और जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो गया, युद्ध प्रारंभ होने के पश्चात उसका आंखों देखा हाल कौन दिखाता था? कोई YouTube चैनल, जनवाणी चैनल, संजय दिखाता था। संजय के पास कुछ दिव्य दृष्टि थी, ऐसी थी ना। अब उस दिव्य दृष्टि को रखने वाला वो संजय धृतराष्ट्र और गांधारी के लिए महाभारत का आंखों देखा हाल दिखाता रहा 18 दिनों तक, क्योंकि महाभारत लगभग 18 दिन तक चली थी। आप लोग ही कब से चल रही महाराज, पूछो नहीं, हमारा तो आंखों देखा हाल हम ही देख पाते, संजय भी नहीं हमारे पास था। लेकिन वहां की व्यवस्था अलग है, बड़ा संग्राम हुआ 18 दिन में ही पूरा हो गया, लेकिन रामायण का युद्ध भले ही लंबा चला हो दिनों की दृष्टि से, लेकिन महाभारत का 18 दिन का युद्ध ही सबसे बड़ा युद्ध करार हो गया। आज की बात अलग है, रूस और यूक्रेन लड़ते रहते हैं, सालों से लड़ रहे हैं, लेकिन क्यों लड़ रहे हैं ये पता दोनों को नहीं है। कोई थोड़ी हवा दे दी अमेरिका ने तो वो खड़ा हो जाता है, थोड़ी सी अपनी अंदर से औकात बढ़ गई तो रूस खड़ा हो जाता है, कुछ फुलझड़ियां ये फोड़ता है, कुछ पटाखे वो फोड़ता है। युद्ध चल रहा है, कब से चल रहा? वर्षों से चल रहा। हमें समझ में नहीं आया कि 18 दिन के युद्ध में इतना बड़ा विनाश हो सकता है, तो वर्षों के युद्ध में कितना हुआ होगा। लेकिन नहीं, तुम्हारे अंदर ना वो कुवत है किसी के तुम विकास कर पाओ, ना तुम्हारे ऊपर कभी कुवत हो सकती कि किसी की तुम सत्ता का नाश कर पाओ। सत्ता का नाश करने की कुवत तो आज तक किसी भी बड़े टेररिस्ट में नहीं हुई, किसी आतंकवादी में नहीं हुई। सत्ता का मतलब वो नहीं जिसको शासन और सरकार आप बोलते हैं, सत्ता का मतलब अस्तित्व, वजूद, एग्जिस्टेंस। किसी का वजूद नाश करने की तुम्हारे पास सामर्थ्य हो, मैं उसको नमस्कार करने तैयार हूं। है किसी के पास सामर्थ्य? जिनको मैं नमस्कार करता हूं ऐसे पंच परमेष्ठ को भी ये सामर्थ्य कुवत प्राप्त नहीं हुई कि किसी की सत्ता को मिटा सके।
और किसी की सत्ता को वो जिला सके। सब अपनी अपनी सत्ता के माध्यम से जी रहे, सभी अपने अपने अस्तित्व को लेकर के जी रहे, लेकिन हमारे अस्तित्व को जब दूसरा किसी प्रकार से चैलेंज देता है तो हम सामने वाले के अस्तित्व को मिटाने के भाव अपने अंदर रख लेते हैं। उसके चैलेंज देने के बाद उसको बदले की भावना की बजाय अपने में बदलाव की भावना लाओ तो आपके जीवन में आपका अस्तित्व और अच्छे से प्रकट हो सकता है। तो बस आंखों देखा हाल दिखा रहा है कौन? संजय। आज ऐसा हुआ, आज कौरवों ने पांडवों की सेना के ऐसे बड़े बड़े वीर योद्धाओं को ऐसा ऐसा कर दिया, तमाम तरह की बात बताता है। और कभी भी राजघराने में अथवा राज दरबार में कोई भी दूत हो तो अच्छी बातों को बताने में ही उसका ज्यादा रुचि रहती, क्योंकि उसके बदले में जो मिलने वाले पारितोषक हैं उससे उसका वास्ता है। तुम्हारे महाभारत में चाहे सब चले जाएं तो कोई मतलब नहीं, और सब बच जाएं तो कोई मतलब नहीं। कभी भी बड़ों के सामने जो एक सच्चा दूत होगा तो अच्छी खबरें लेकर के ही जाएगा, होता कि नहीं होता? राजाओं के सामने भी राजा के गले का हार पाने के लिए, अंगूठी और चेन पाने के लिए सारे देवदूत उनके सामने अच्छी अच्छी खबरें ही बताते हैं। कुछ नकारात्मक खबरें हो भी जाएं तो अपने मुख से कहने नहीं जाती, क्योंकि इसके बदले में हो सकता है उनके कोप भाजन का हमें पात्र बनना पड़े, इसलिए कभी नहीं बताते। तो जब राजाओं के सामने कभी सुन रहे, जब राजाओं के सामने भी नकारात्मक खबरें कभी बताई नहीं जाती तो महाराजाओं के सामने तो नकारात्मक खबरें कभी आने ही नहीं चाहिए। और जो उनको लाने का, तो महाराज जी सच्चाई पता कैसे लगेगी? तुम सच्चाई यदि सिर्फ इतना ही बताना चाहते हो कि सामने वाले ने कहाँ कमी की है, तो ऐसी सच्चाई से तो वो अंधकार ही अच्छा है, जिसके बारे में जाने बगैर सबका मन निर्विकल्प रहता है। आगम कहता, गुरु महाराज कहते, वो सच्चाई सच्चाई नहीं है जो दूसरे की कमी बताने के लिए तुम्हें प्रकट करने की इच्छा हो जाए। खुद की कमी बताना हो तो गुरु के पास जाकर के बहुत अच्छे से बताओ, वो नकारात्मक बात नहीं मानी जाएगी, वो तो तुम्हारे अंदर के भीतर के सकारात्मक भविष्य की पहचान मानी जाएगी। सामने वाला सही है, आप गलत हैं, तो सामने वाले को स्वीकार करने का अर्थ ये नहीं कि आपकी हार हो गई है, बल्कि आप ये माने आप जीत की दिशा में पहला कदम रख चुके हैं, क्योंकि आपने जीतने वाले के प्रति अपना रुझान तैयार कर लिया। तो हम तो बात कर रहे हैं महाभारत की, अपनी बात ऐसी चलती है, एक आध कोई दृष्टांत मन में ले लिया और पता नहीं पूरा समय कब हो गया। जितना पुण्य होता उतना काम बन जाता, अपन कभी सोचते भी नहीं। कभी साउंड बॉक्स सोचता है कि आज मेरे लिए अच्छा अच्छा बोलना है? वो तो बोलने वाला सोचता है कि मुझे क्या बोलना है, साउंड बॉक्स तो उसको बोलने में मदद करता है। ऐसे ही ये साउंड बॉक्स तो फिर भी थोड़ा बहुत मदद करता होगा, हम तो उससे भी बड़े साउंड बॉक्स मात्र हैं। अच्छा लगे तो पूज्य गुरुदेव को धन्यवाद देना कि आज कितना अच्छा प्रवचन हुआ। और यदि कभी कुछ गलत लग भी जाए, कभी कुछ कठोर लग भी जाए, तो कई बार साउंड बॉक्स में किरकिरी हो भी तो जाती है ना, टेक्निकल मिस्टेक नहीं होती क्या? कई बड़े बड़े काम हो बीच में यदि लाइट चली जाए और बीच में किरकिरी करने लग जाए तो क्या होता है? ये बोलते कि बोलने वाला गलत बोल रहा, नहीं बोलने वाला गलत नहीं बोल रहा, साउंड बॉक्स की खराबी है। ऐसी हमें सिर्फ साउंड बॉक्स मान के चलना, अच्छा लगे तो पूज्य गुरुदेव आपको आशीर्वाद के साथ आशीर्वचन भी दे रहे हैं, क्योंकि जिनके जीवन में गुरुओं के आशीर्वचन पलते हैं उन्हीं के जीवन में उनके आशीर्वाद फलते हैं। तो बस इसी कीमत पर आया है कि उनके आशीर्वचन को पालने का समय भी तुम्हारे जीवन में उद्घाटित हो चुका है। वैसे हम तारीफ करने में बहुत कंजूस हैं, उम्मीद भी मत करना। पहले बता दिया आज कि तुमने यदि तारीफ की उम्मीद कर ली हमसे तो हमेशा तुम धोखे ही खाओगे। और रही बात डांट की, तो डांट के मामले में तो थोड़ा बहुत अधिकार हम भी रखते हैं, हालांकि आपकी समाज पर थोड़ा कम रखते हैं, बाकी अन्य समाज पर तो खूब रख करके आए। आप यदि दोगे डांटने का अधिकार तो शायद हम सोचेंगे कि इनको डांटना कि नहीं डांटना, लेकिन किसी भी समाज में जाके पूछ लेना, जहां जहां पर हम लोग होकर के आए उनसे पूछ लेना, उनका भला तारीफ करने से ज्यादा हुआ है कि डांटने से ज्यादा हुआ है आपको बता देंगे। और पता लग जाए कि डांटने से ज्यादा हुआ है तो खुद के भले की चिंता के लिए
खुद को तो बस सोचना चाहिए, भले ही निमित्त डांटना बन जाए चाहे बांटना बन जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं किसी बहाने बोल तो दे महाराज, इसलिए कुछ गलती कर दो ताकि डांट तो मिल जाए, ऐसा मत कर लेना। नहीं तो फिर ऐसा हम जब समझ जाते हैं कि गलती जानबूझकर कर रहा है, उसको हम ना मुस्कुराते ना डांटते, उससे हम मौन हो जाते हैं, क्योंकि क्षमा की चोट क्रोध की चोट से बहुत गहरी होती है। तुम्हें क्षमा कर दिया, तुमसे बोलने दिया, बोलने का मतलब ऐसा नहीं कि तुम आओ तो तुम्हारी तरफ आंखें दिखा के वो खामोश हो जाएं, नहीं, मुस्कुरा के आशीर्वाद दे देंगे लेकिन कुछ बोलेंगे नहीं, तब लगेगा पता नहीं कौन सी गलती हो गई है। कल तक तो ये डांटते भी थे, कल तक शाबाशी भी देते थे, बोलते भी थे, रिस्पॉन्स भी करते थे, लेकिन आज रिस्पॉन्स कर तो रहे हैं तथास्तु के रूप में, लेकिन पता नहीं ऐसा कौन सा हो गया कि हमारा नमोस्तु उनकी तथास्तु की बराबरी नहीं कर पा रहा। उस दिन तुम्हारे लिए लगेगा, क्योंकि जब हमारे शब्द कमजोर पड़ जाते हैं उस समय हमारा मौन बहुत भारी पड़ता है, और इसका 20 वर्ष का अनुभव हमारे साथ भी है, और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद इसी मौन के लिए अक्सर रहा है। आप लोग क्या चाहते हैं, महाराज मौन हो जाएं तो फिर डांटते रहें, मतलब गलती करोगे? महाराज गलती हो जाए तो डांट देना, लेकिन जानबूझ के हम गलती नहीं करेंगे क्योंकि आपको मौन होना पड़े। तैयार हो? हाँ बहुत अच्छा, तैयार यदि हो तो फिर हम धीरे धीरे अब नंबर बढ़ा रहे हैं। 50 नंबर तो हमने आपको दे दिए। कल कहा था ना कि आपने जो भावना भाई थी हमने आकर के आपको प्रसन्न कर दिया, और आप लोगों ने मंदिर बनाने की जो भावना भाई पुण्यानुभूति के निमित्त से आपने हमारे लिए 50% प्रसन्न कर दिया। अभी 50% में अब 1-1% जब बढ़ेगा तब आपकी दूसरी भावना पूरी होगी जो आपने वर्षा योग और चातुर्मास की भाई है। तो 1-1 नंबर हम बढ़ा रहे हैं अभी। तो डांट पसंद है कि मौन? मौन पसंद है क्या? मौन तो बिल्कुल पसंद नहीं महाराज, डांट पसंद है, लेकिन फिर भी हम गलती अनजाने में करते हैं तो आप अवश्य डांटना। एक व्यक्ति अक्सर आता, नाम तो उसका याद है लेकिन बोलना सबके सामने अच्छा नहीं है, ब्रह्मचारी हो, इंदौर के पास का है। महाराज जब कुछ दिन रुकेगा और रुकने के बाद जब वापस लौट के जाता, महाराज कोई गलती की हो तो क्षमा मत करना, दंड अवश्य देना, यही कहता। महाराज मैं इस योग तो नहीं कि आपकी कृपा मेरी गलती पर हमेशा बरसती रहे, लेकिन इस योग अवश्य समझना कि आपकी डांट मेरी गलती पर हमेशा मुझे ठीक ठाक करती रहे। तब लगता है कि जो क्षमा की बात नहीं करता, जो माफ करने की बात नहीं करता, दंड देने की बात करता है, उसी के भीतर खुद को सुधरने की सबसे बड़ी इच्छा है। और जो गलती करने के बाद बोले महाराज क्षमा करना, उत्तम क्षमा, अरे कभी पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद तुमने ये भावना भाई कि हे पेड़ मुझे छांव दे देना? अरे वो पेड़ किस काम का जो उसके नीचे पहुंचने के बाद छाया ना दे पाए, और वो साधु किस काम का जो उसके सामने पहुंचने के बाद तुम्हें क्षमा ना कर पाए? लेकिन क्षमा दो प्रकार की होगी, मौन की क्षमा भी होगी तो एक मुस्काने की क्षमा भी होगी। मौन की क्षमा अलग टाइप की होती है, लेकिन मुस्कान की जब क्षमा होती है तो तुम्हारे वारे न्यारे होने लग जाते हैं। इसलिए अभी अपन गांधारी की बात चल रही है, जो कि महाभारत भी 18 दिन में पूरा हुआ था, तो उसकी छोटी सी बात भी हम कुछ 18 मिनट में तो पूरी करें। हुआ ऐसा जब आंखों देखा हाल, वो संजय सुना रहा था, सुनाते सुनाते अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही थी, लेकिन कुछ जो नकारात्मक बातें थीं, संजय भी जानता था मैं बोल नहीं पाऊंगा, और वहां पर बैठे बैठे कृष्ण जो पांडवों के सारथी बनके युद्ध में शामिल हुए थे, वो भी जान रहे थे कि ये वाली बात तो संजय धृतराष्ट्र और गांधारी को नहीं बताता होगा। और जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, सबको ज्ञात है परिणाम क्या निकला, कौरव धराशायी हो गए और पांडव विजयी हो गए। तो अब यथार्थ आंखों देखा हाल बताने के लिए कृष्ण धृतराष्ट्र और गांधारी के पास पहुंचते हैं। जैसे ही पहुंचते सबसे पहले गांधारी मिल जाती, कृष्ण अपनी जो
अभिवादन होता जिस तरीके से वो करते और कहते, आप तो छत्राणी हैं, आपने बहुत बड़े उत्थान और पतन देखे हैं, सुख दुख तो आपको सहन करना, धूप छांव को सहन करना जैसा लगता है, क्योंकि आप वीरांगना भी हैं। और आपको ज्ञात होगा युद्ध का जो फलसफा होता है, एक पक्ष जीतता है एक पक्ष हारता है, और अब युद्ध समाप्त हो चुका है, और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके सारे पुत्र धराशायी हो गए, और अच्छी भाषा में कहें तो वीरगति को प्राप्त हो गए। वीरगति को प्राप्त करना अलग विषय है, लेकिन धराशायी होना अलग विषय है। वीरों के लिए सिर्फ मात्र रणांगन में भी वीरता दिखाना वीरगति के लिए कारण नहीं बनता, बल्कि अपने हृदयांगन में जो वीरता दिखाता है और दूसरों को सहन करने की सामर्थ्य रखता है, उसकी यदि इस देह की अंत भी हो जाती है तो उसकी देह के अंत के साथ उसको वीरगति ही प्राप्त होती है। लेकिन जो दूसरों को धता बताने की कोशिश करे और अपने आप को वीर बनाने की कोशिश करे, वहां पर वीरगति की बात आती नहीं। आप बात समझ रहे हैं ना? दृष्टांत तो सबको ज्ञात होगा, लेकिन जो बीच बीच में हम बात दे रहे हैं वैक्सीन के रूप में, ये रेमडेसिविर से भी ज्यादा काम करती है। सुना ना आपने रेमडेसिविर? जब कोरोना आया था तो उस समय रेमडेसिविर के इंजेक्शन लगे, टैबलेट खाई, उसके साइड इफेक्ट आज तक आ रहे हैं। लोगों ने वैक्सीन लगवाई, कौन कौन सी लगी थी, कोवैक्सीन, हाँ उसके भी साइड इफेक्ट आ रहे हैं। वो तो साइड इफेक्ट लाते हैं, लेकिन जो वैक्सीन आप लोगों के कोरोना के लिए हम यहाँ लगाएंगे उसके साइड इफेक्ट तो नहीं आएंगे, गुड इफेक्ट तो पक्के अवश्य आएंगे। इसलिए उनको देखते जाना बीच बीच में, नहीं तो पता नहीं तुम क्या क्या समझते जाओ, क्या क्या करते जाओ। तो बस अब जब कृष्ण ने कहा गांधारी से, सुनो आप तो प्रजा को भी संतान के समान पालन करती हैं, और आपके लिए संतान भी प्रजा के समान मानी जाती है, इसलिए आपकी प्रजा में से 100 प्रजा 100 संतानें कम हो गई हैं। गांधारी उनकी बात को सुनकर के अट्ठास करती, नारायण आपने उस समय चाल चल करके और भले ही युधिष्ठिर से एक एलबारिया हो अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो, और तुमने भले ही द्रोणाचार्य के लिए समाधि के लिए तैयार कर दिया हो, वो चाल तुम्हें तुम्हारी समझ गई थी, अब तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगा। कृष्ण समझते हैं आंखों पे तो पट्टी बंधी ही है, लेकिन मोह की पट्टी उससे भी ज्यादा गाढ़ी है। सुन रहे हो, कौन सी बंधी है महाराज? दोनों ही बंदी हैं। कपड़े की तो फिर भी हट सकती है, लेकिन आंखों की मुंह की बताना बहुत कठिन है। गांधारी कहती, तुम्हारी ही अक्षौणी सेना मेरे पुत्रों के साथ थी, कम से कम ये वाक्य बोलते वक्त इतना तो सोचते, क्या तुम्हारी अक्षौणी सेना इतनी कमजोर थी कि वो पांडवों के माध्यम से परास्त हो जाए, और तुम उसको जान करके भी मेरे सामने ये बात कहने आए हो कि तुम्हारे पूरे पूरे 100 पुत्र धराशायी हो गए। अब कृष्ण को लगा बहुत गाढ़ी पट्टी है, इसको हटाना बहुत कठिन है। वो कहती है राजमाते, कृष्ण कहते हैं राजमाते आपको ये सबको सहन करना आना चाहिए। जब युद्ध हुआ तो पक्की बात है एक पक्ष परास्त होगा और एक पक्ष विजयी होगा, इसको बर्दाश्त करने की भूमिका तो पहले बन जानी चाहिए युद्ध के पहले, लेकिन आप तो ऐसा कह रही हैं। हाँ मुझे मालूम है, क्योंकि इस महाभारत में जितने पल आए उससे भी ज्यादा उतने छल आए, और जब छल के भरा हुआ महाभारत हो तो महाभारत के मैदान से जो लौटा है उस पर विश्वास कैसे किया जाए, भले ही वो कृष्ण के रूप में ही क्यों ना हो। तमाम समझाने के बावजूद भी कृष्ण की बात बन नहीं रही और गांधारी मान नहीं रही। अंत में जाकर के कृष्ण यही कहते हैं, महारानी जी अब मैं आपकी आंखों की पट्टी के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, तो मुंह की पट्टी तो सिर्फ आप हटाओ तभी हट सकती है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो यथार्थ है। जब इतने गंभीर स्वर में कहा, थोड़ी सी देर के लिए गांधारी को लगा कहीं बात में सच्चाई तो नहीं,
अब वो भी थोड़े से गंभीरता से बोलती है, कैसे विश्वास करूं कि तुम जो तुम कह रहे हो वो सही है। तो कृष्ण कहते हैं, या तो मैं जो कह रहा हूं उसको मान के विश्वास कर सकती हो, अथवा फिर रणांगन में जाके विश्वास कर सकती हो। ठीक है, मैं समर भूमि में चलूंगी। वो कहते हैं, वीरांगनाएं जिनके वीर पुत्र समर भूमि में जा चुके हों, उनके शव को लेने के लिए भी समर भूमि में नहीं जाती, फिर तो आप छत्राणी हैं, आपको जाना उचित नहीं है। एक तरफ तुम ये भी कहते हो कि उचित नहीं है, दूसरी तरफ अनुचित बात भी मुझसे करते हो। जब बहुत देर होगी जद्दोजहद करते करते, तो कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, इतनी सारी अनैतिक बातें महाभारत में हो गई, एक और हो जाए। क्योंकि जब नीति ही गायब हो जाती है, तो फिर जो नीति जो हर सज्जन के कान पकड़ती है, उसके कान पकड़ने की ग्रिप भी ढीली हो जाती है। गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज अक्सर कहा करते कि नीति एक ऐसी वस्तु होती है जो राजाओं के भी, गुरुओं के भी, विद्वानों के भी और साधुओं के भी कान पकड़ने लायक होती है। नीति बाकी किसी में कुवत नहीं कि राजा के कान पकड़ सके, गुरु के कान पकड़ सके, साधु के कान पकड़ सके। बच्चों के और नादानों के कान पकड़ने की कुवत तो तुम्हारे हाथों में है, लेकिन खुद के पास कान पकड़ तब सकते हो जब नीति तुम्हारे सामने हो। नीति कोई भी हो, धर्म नीति हो, युद्ध नीति हो, राजनीति हो, कूट नीति हो। आज राजनीति शब्द को बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि राजनीति तो राज करने की नीति नहीं थी, नीति पूर्वक राज कैसे किया जाए ये अपने आप में परिणति थी। और लोग आज राज करने की नीति के रूप में राजनीति कहने लग गए हैं, इसलिए अच्छी जगह अरे तुम तो राजनीति करते हो। तो राजनीति अच्छी तो बात है, नीति कभी गलत होती है क्या? नीति कभी गलत नहीं होती, लेकिन जब विपरीत अभिप्राय हो जाता है तो शब्द को भी दूषित होना पड़ता है। और बस हुआ ऐसा, चलने तैयार हो गई, कृष्ण साथ में जाते हैं। क्योंकि इतने बड़े युद्ध की नैतिक जिम्मेवारी लेकर के कृष्ण जब राजमहल तक आए थे, और जब बात नहीं बनी तो उसी नैतिक जिम्मेवारी के तहत गांधारी के साथ भी जाते हैं समर भूमि में। और जैसे ही पहुंचते हैं वहां जाके देखा, सारे 100 पुत्र लाइन से पड़े हुए हैं, और चील गिद्ध इत्यादि वहां पर उनके शवों को नोचने लग गए हैं। अब वो कहते हैं, आवाज आ रही है, यहां पर सारे आपके पुत्र पड़े हुए हैं। अभी भी गांधारी को विश्वास नहीं, इतना बड़ा युद्ध हुआ, इतने लोग घायल हुए, इतने लोग मृत हुए, पता नहीं ये मेरे ही पुत्र हैं या दूसरे किसी योद्धा के सब पड़े हुए हैं, मैं कैसे मानूं? मैं तो तब मानूंगी जब मैं कहीं आसपास गुजरूं और मेरा कोई एकाध बेटा ये कहने लगे माँ, तो मैं समझ जाऊंगी यहाँ पर। तो कृष्ण कहते हैं, कोई तुम्हारा बेटा माँ तो तब बोलेगा ना जब उसके अंदर प्राण होंगे, और जब प्राण खो चुके हैं तो माँ कहने वाले कोई प्राण यहाँ पर समझ नहीं। अब उसको थोड़ा सा शंका तो हो रही है, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि अरे मेरे 100 पुत्र हैं, वीर पुत्र हैं, और जिनके साथ स्वयं इन कृष्ण की अक्षौणी सेना लगी थी, इसके बावजूद भी परास्त हो कैसे सकते हैं? लेकिन दुनिया भूल जाती है, बाहुबल और संख्या बल के माध्यम से जो काम होते हैं वो एकमात्र बुद्धि बल के माध्यम से हो सकते हैं, जो कृष्ण के पास थी। और कृष्ण जिस ओर थे वही मात्र पक्ष जीत की आस अपने पास रखती थी। लेकिन अभी तो वो बाहुबल की बात कर रहा, क्यों तुम किसकी बात करते मुंगावली वालों, संख्या बल की बाहुबल की? अभी तक बाहुबल से और संख्या बल से काम निपटाने की कोशिश की, निपट नहीं पाए। मन की शुद्धि को लेकर के यदि बुद्धि लगाओगे तो काम इस चातुर्मास में ही पूरा हो सकता है। रही बात पत्थर का काम, तो समय से ही पूरा होगा, लेकिन पत्थर के काम के योग जो आवश्यक चीजें हैं उनकी पूर्ति इस चातुर्मास में पूरी हो सकती है। होंगी कि नहीं? किसको नहीं विश्वास? उसी को नहीं विश्वास जिसने कल गुरुदेव को व्यवहार लिखाने में अपने आप को पीछा कर लिया था। क्योंकि जिसका जिससे जितनी रिश्तेदारी होती है उतनी व्यवहार लिखाता है,
कोई 11 रुपए का लिखाता है, कोई 51 का, कोई सिर्फ मात खाली लिफाफा चले जाता है। जिसका जितनी बड़ी रिश्तेदारी है, ये कल पुण्यानुभूति की जो बात आई उसको अन्यथा मत लेना। ये तो बात आपका व्यवहार की बात थी कि आप सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति कितने समर्पित हैं, कितना उनके प्रति समर्पण और आस्था और गहरी निष्ठा रखते हैं, तब जाकर के किसी व्यक्ति के आह्वान पर आपने अपने समर्पण की परिभाषा कल शुरुआत को लिखी है, और जो लोग रह गए हैं वो आगे भी लिख सकते हैं। किसी को हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, और किसी ने दान दिया है सबसे पहले आप सबको बोल देना चाह रहे हैं, जितने लोग भी यहाँ बैठे हो, जो बाहर से सुन रहे हो, जो नहीं सुन रहे उनको भी बता देना कि महाराज ने आपने कौन सी बात कही। जो दान दे रहा है सबसे पहले उसकी अंदर से भूरी भूरी प्रशंसा करने की आदत डाल लो, ना कि पीठ पीछे कमेंट करने की बात। कॉम्प्लीमेंट देने लायक तुम्हें अधिकार नहीं मिला है, तो कमेंट करने का अधिकार तुम्हें किसी ने नहीं दिया है। सबसे पहले एक कमेंट्स को अपने जीवन से बाहर कर दो, इतना बरसेगा कि संभाल नहीं पाओगे, इतना बरसेगा। अरे इंसान तो क्या, देवता भी तैयार बैठे हैं कि जहां जहां पूज गुरुदेव आशीर्वाद देकर के और मंदिर अथवा किसी प्रकार के प्रकल्पों को अंजाम देकर के आए हैं, वहां पर हमारा धन अंजाम को प्राप्त हो जाए, ऐसी भावना वो भा रहे हैं। तुम नहीं कर पाओगे, एक बार हाथ खड़े कर देना, देवता आगे कर जाएंगे, क्योंकि अब तो देवताओं का भी सरताज पूज गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज हो गए हैं। कल तक इंसानों के थे, आज देवताओं के हो गए हैं। काम तो वो कर देंगे, बस तुम्हारे भीतर तुम्हारी लाठी को गोवर्धन से लगाने तक की अवसर दी गई है। तुम लगा पाए तो जीवनों का सदियों तक उसका गौरव पाओगे, और नहीं लगा पाए तो अफसोस भी मनाओगे कि हमारे सामने सामने बन गया, हम नहीं लगा पाए। सोचो आज तुम 10 करोड़ रुपए लेकर के भी कुंडलपुर जाओ और भावना भाव, अरे इतना विशाल तीर्थ बन गया, अंतरराष्ट्रीय तीर्थ बन गया, और मैं कुछ नहीं लगा पाया, और पैसे में तो वो कुवत है जो कुछ भी फिर बदल करा सकती है, और वहां कमेटी से जाके बोलो बस एक छोटी सी प्रतिमा हमारे नाम की विराजमान कर दो। क्या है, थम्सअप है कि ठेंगा है? क्या दिखाएगा वो, थम्सअप की ठेंगा? ठेंगा दिखाएगा। तुम्हारे 10 करोड़ कोई कीमत के नहीं। जब बन रहा था तब तुम्हारे धन में वो सामर्थ्य नहीं आ पाई कि तुम कुंडलपुर जैसे जिनालय में लगा पाओ, और अब जब बन गया है तुम्हारे धन की सामर्थ्य भले ही तुमने बढ़ाई हो, लेकिन तुमने बढ़ाई है, दुनिया तो बढ़ाए तब तो लग पाएगा। और अभी दुनिया भी बढ़ाने के लिए बैठी है, तुम भी लगाने के भाव कर सकते हो, और तुम्हारे भावों को गुरुदेव साक्षात आशीर्वाद देने के लिए लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, और अब नहीं लगा पाए तो क्या उसी व्यक्ति जैसी तुम अपनी हैसियत करना चाहते हो जो बनने के बाद 10 करोड़ लेकर जाए और कौड़ी की कीमत करा के लेकर आ जाए? कौड़ी कराना कि करोड़ कराना? सुनो, अब जब पहुंच गए वहां पर, और पहुंचते पहुंचते गांधारी को शंका भी हो रही है और विश्वास भी नहीं हो रहा कि ये सही कह रहे हैं। अब कृष्ण कहते हैं, अरे यही तुम्हारे आंख के तारे अब आसमान के तारे बन गए, अब तो देख लो कम से कम, और जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। गांधारी को लगा कहीं गलती तो नहीं हो रही। अब वो देखो, जो गांधारी अपने पति के व्यामोह में अपने आंखों पर पट्टी बांधने की साधना कर रही थी, अब पुत्र के व्यामोह में कृष्ण की बात ना मान करके पट्टी खोलने के लिए तैयार है। और जैसी पट्टी खोलती है, बहुत दिनों से पट्टी बंधी हो तो आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है, और जैसे ही खोलती है तो एक के बाद एक कतारबद्ध 100 पुत्र पड़े हुए हैं मृत्यु को प्राप्त होकर के, देख करके मूर्छित हो जाती है। थोड़ा सा शीतोपचार करते हैं कृष्ण, छींटे मारते हैं, पुनः उसकी बेहोशी टूटती है, फिर देखती, फिर मूर्छित हो जाती है, बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही। सोचो एक पुत्र का यही हाल हो जाए तो माँ को बर्दाश्त करना कठिन है, फिर तो 100 सारे के सारे पुत्र, और यदि उसको उम्मीदों के साथ किसी काम को करने के लिए भेजा हो और उस काम में विफल भी हो जाए और उनका जीवन भी विफल हो जाए, उस माँ से पूछो उस माँ का हाल क्या होगा। बार बार तंद्रा आ रही, बार बार तंद्रा को तोड़ने का प्रयास कृष्ण कर रहे हैं। जब 2, 5, 10 बार हो गए, इसके बाद बेहोशी तो दूर हो गई लेकिन बिलाप करने लग गई, छाटी पीट पीट करके रोने लग गई। मैं इसी जीवन को आज तक बना के इसलिए रखी थी ताकि इन 100 पुत्रों के हम खुशहाली को देख पाएं,
खुशहाली को देख तो ना पाए लेकिन सुन पाए। लेकिन यहाँ पर तो सन्नाटा छाया हुआ है, ना कोई सुनाने वाला है ना कोई सुनने वाला है। जब बहुत देर विलाप करते करते हो गया, कृष्ण वहीं खड़े हैं। अब फिर से कहते हैं गांधारी को, महारानी आप तो छत्राणी हैं, आपने कई उत्थान पतन देखे हैं, आपने पहले मेरी बात नहीं मानी, आपको यहाँ तक आना पड़ा। अब मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप लौट जाके राजमहल की ओर, क्योंकि आपके इन 100 के अलावा असंख्यात पुत्र और आपकी प्रतीक्षा में हैं, क्योंकि राजा और रानी के लिए प्रजा भी संतान के समान हुआ करती है। सुन रहे हो, प्रजा भी संतान के लिए हुआ करती है जो उस प्रजा का नेतृत्व करते हैं। सुन रहे हो, नेतृत्व कौन करता? गुरु भी करते हैं, साधु भी करते हैं, पदाधिकारी भी करते हैं, और जिसको वसुदैव कुटुंबकम की भावना भानी आ जाए वो भी उस प्रजा का नेतृत्व करता है। तो प्रजा उनके लिए संतान बन जाती है। लीडरशिप इज एक्शन नॉट पोजीशन। नेतृत्व का मतलब ये नहीं होता कि आपको कोई पद मिल गया है, नेतृत्व का मतलब ये होता है कि आपको कोई कर्तव्य मिल गया है। और जब कर्तव्य की बात मन में आ जाए तो पद की बात तो गौण हो जाती है, और जब पद की बात गौण हो जाए तो पद प्रतिष्ठा की बात भी गौण हो जाती है। ऐसे ही आप सबके मन में वो भाव पैदा हो रहे हैं जो एक दो नंबर और बढ़ा दिए हैं। कितने हो गए? 50 नंबर थे, सुबह अभी शुरुआत करते वक्त 51-52 हो गए, दो और बढ़ा दिए, कोई बात नहीं बताता से। कितने हो गए? 54 नंबर हो गए। नंबर गिनते जाना, जब तक 100 नहीं होंगे तब तक 100% मत मानना। अब कृष्ण बोलते हैं वापस लौट चलो, नहीं मानती बात। और जब नहीं मानती, कृष्ण हताश होकर के फिर कहते हैं वापस लौट चलो, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। गांधारी कहती है अरे जिनके लिए राजमहल में आज तक हम बैठे थे, जब वो ही नहीं रहे तो मैं क्या करूंगी उस राजमहल में लौट करके। मेरे लिए तो राजमहल भी उस शमशान की तरह हो गया, क्योंकि जब बच्चों के खुशहाली की किलकारियां ना हो तो वो घर भी शमशान के बराबर ही होता है। अब वो राजमहल भी शमशान है, ये भी शमशान है, कम से कम यहाँ पर ये मेरे सामने हैं तो जब तक रहेंगे रहेंगे, और मेरा जीवन तो वृद्धावस्था को प्राप्त हो ही चुका है, मैं यहीं पर अपना जीवन समाप्त कर दूंगी, आप जाओ। छत्राणी छत्राणी है, जो बोल दिया तो बोल दिया, अब पीछे हटने वाली नहीं। कृष्ण समझ गए अभी इसकी बुद्धि ठिकाने नहीं है, कुछ दिन बाद आ जाएगी, अपने आप लौट आएगी। कृष्ण वापस लौट जाते हैं। अब देखो क्लाइमेक्स शुरू होता है। वो गांधारी जो अपने पुत्रों के ब्याह हुए में राजमहल वापस जाना मुनासिब नहीं समझी, वो वहीं रुक जाती है। एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, बिलाप और विषाद कब तक तुम्हारा साया रख सकता है? वक्त का मलहम हर दुख को भलने वाला होता है, लेकिन कम वक्त कर्म ऐसा होता है जो एक नए नए दुख को कारण देने के लिए कारण बन जाता। हुआ ऐसा, धीरे धीरे पुत्रों के मरने का दुख तो कमजोर पड़ा, लेकिन पेट की आग जो होती है भूख के रूप में, वो ज्यादा दुखी करने लग गई। अब सोचती है, उस समय कृष्ण ने मनाया था वापस लौट चलो, मैं नहीं मानी, अब यदि भूख के कारण वापस लौट के जाऊंगी तो छत्राणी होने का मतलब क्या, लोग क्या कहेंगे? जब भूख लगी तो बच्चों को छोड़ करके भी आ गई, क्या करूं, कैसी कर्म की विडंबना है। वहीं उस रणांगन में एक आम का वृक्ष देख लेती है, हाँ मुझे वापस लौटना भी नहीं पड़ेगा, और ये पेट की आग भी उससे बुझ जाएगी, और पेट की आग बुझेगी तो भोजन से भी बुझती है तो पानी से भी बुझती है। किस्मत से ये फलदार वृक्ष है, आम का है, इसमें पेट भी भरेगा और प्यास भी बुझेगी। और धीरे से उस पेड़ के नीचे पहुंच जाती है, हाथ ऊपर करती है, लेकिन हाथ फल तक नहीं पहुंच पाते। आसपास कोई पत्थर भी नहीं, डंडे भी नहीं कि मार करके गिरा सके और खा सके। अब देखो वही गांधारी
जो अपने पुत्रों के व्यामोह में और पुत्रों के दुख के कारण अपने बरसों की साधना को तोड़ने के लिए भी तैयार हो गई थी, लेकिन जब पेट का दुख पैदा हुआ तो वही उस आम को तोड़ने के लिए एक एक करके अपने पुत्रों के शव को घसीट करके लेकर के आती है उस पेड़ के नीचे और एक के ऊपर एक जमाती है और उस पे पैर रख करके और आम तोड़ करके खाती है। सुन रहे हो, दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता जो माँ बेटे का होता है, उस माँ बेटे की रिश्ते की पवित्रता भी कब जाके दम तोड़ देती है आप समझ सकते हो। तो फिर तुम किन रिश्तेदारों के लिए, किस कारोबारों के लिए अपने धन को इकट्ठा करने जा रहे हो, जब इतना पवित्र रिश्ता भी जो पांखों की पट्टी को खोलने के लिए भी कारण बन जाता है एक वक्त, लेकिन जब संकीर्णता बढ़ती है इस व्यामोह की तो उन्हीं के ऊपर पैर रख करके आम तोड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है। किन रिश्तों के लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? और यदि एक रिश्ता अन्यथा शरणम नास्ति तमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जनेश्वर, उनको तुम यदि मानते हो कि यही मेरी रक्षा कर सकते हैं तो रक्षितः रक्षति इति धर्मः। धर्म वही होता है जिसकी हम रक्षा करें वो ही हमारी रक्षा करेगा। दुनिया में जिनकी तुम रक्षा कर रहे हो तुम्हारी रक्षा करें कोई गारंटी नहीं। सेना जिस राष्ट्रपति की रक्षा करती है राष्ट्रपति उस सेना की रक्षा करे कोई गारंटी है क्या? नहीं है। तो फिर बताओ तुम जिनकी रक्षा के लिए जो जोड़ जोड़ के रख रहे हो वो तुम्हारी रक्षा करेंगे, किस गारंटी पे तुम जोड़ के जा रहे हो? और यदि ये विनती रोज पढ़ते हो कि अन्यथा शरणम नास्ति तमेव शरणम मम, और इस विनती में सच्चाई है विश्वास है, तो ये विश्वास का मूल रूप और मूर्त रूप इस रूप में आना चाहिए कि अब तो सिर्फ हम धर्म की रक्षा के लिए धर्मायतनों की रक्षा करेंगे और धर्मायतनों की रक्षा करने के लिए पूज्य गुरुदेव के वचनों की रक्षा करेंगे और पूज्य गुरुदेव के वचनों की रक्षा करने के लिए उनके माध्यम से दिए गए हमारे संकल्प की रक्षा करेंगे, तब जाकर के तुम्हारी वो पंक्ति विश्वास की योगी भी बनेगी और सत्यता के कारण भी बनेगी, तब जाकर के तुम्हारी पीढ़ियां तुम्हारे इस संस्कारों को अपने जीवन में जिएंगी। नहीं है तो वो सोचेंगी अरे तुम मंदिर में जाके बोलती भगवान तुम ही सब कुछ हो, और जब मंदिर से घर लौट करके आती हो तो भगवान कुछ नहीं तुम ही सब कुछ हो। जब तुम्हारे दोगलापन मंदिर और घर में दो बार दिख जाता है तो तुम पे क्या विश्वास करें? और तुम जो विश्वास पे हमें पाल रही हो बड़ा करके बाहर भेज के पढ़ाने की कोशिश कर रही हो, हम भी दोगलापन दिखा देंगे। जिस समय तुम हमारी सेवा करते थे करती थी तब तक हम तुम्हारे पास रहेंगे, और जब हमें तुम्हारी सेवा करने की बात आएगी तो हम कंपनी के पास पहुंच जाएंगे। होता कि नहीं होता? अपने बच्चों को तुमने पाल पोस के इसलिए बड़ा नहीं किया कि वो कंपनी की सेवा करे, इसलिए बड़ा किया था कि बड़े होकर के हमारी सेवा के काम आए। आता है क्या? आने लग जाए तो आपने एक बीच में एक इतना बड़ा रुकावट उसके साथ जोड़ दिया है। महाराज जब पूना मुंबई बेंगलोर में ही बच्चे जॉब करेंगे तब तो जाके वो बहू रानी आएगी जो हमारी सेवा में सबसे बड़ी बाधक बनेगी। करते कि नहीं करते? बिल्कुल करते, और अपने सगे हाथों से करते, सगे मुझसे करते। क्यों? क्योंकि यदि हमारे पास रहेंगे तो मंगाली में कौन देने वाला अपनी बिटिया को? जब हमसे दूर रहेंगे तब बिटिया उसको देगा, और बिटिया देने के बाद बिटिया हमारे पास तो कभी आने देगी नहीं। इसलिए पढ़ाई करा रहे हो बच्चों को, इसलिए पैसा खर्च कर रहे हो। अरे जिन पैसा खर्च करने के बाद तुम्हारे बच्चे ना तुम्हारे हाथ में है ना तुम्हारे साथ में है, तो कम से कम कुछ ऐसा काम कर जाओ जिनमें कुछ करने के बाद जब वैसे तीर्थों के जिन आयतनों की वंदना करने के लिए मुनिराज आएंगे और मुनिराज की वंदना करने के भाव से तुम्हारे बच्चे एक बार भी यदि तुम्हारी मुंगावली में लौट करके आ गए तो ऐसी संभावना बढ़ा जाएंगे कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे हाथ में भी रह पाए और तुम्हारे साथ में भी रह पाए। नहीं है तो तुम अपनों से दूर करने के लिए बच्चों को पढ़ा रहे हो, खर्चा कर रहे हो। ऐसे तो वो अच्छी कम से कम जो एक दोहा वो बोलते ना कि पूत कपूत सुने हैं जग में माता नहीं कुमाता, लेकिन कुछ माता होती जो कुमाता होती। कौन? सरपड़ी होती कि नहीं होती? बिल्ली जो अपने बच्चों को ही खा जाती है। ऐसे ही कहीं तुम तो बनने नहीं जा रहे,
महाराज हम कहा, अरे बच्चे का मतलब तुम बच्चे को खाओगी ऐसे तुम मांसाहारी तो नहीं बनोगी, लेकिन उनके अंदर के तुम गुणों को खा जाओगी, उनके संस्कारों को खा जाओगी, ऐसी को माता तो तुम बन रही हो, क्योंकि वहां भेजने के बाद संस्कार बचेंगे क्या? तुम उम्मीद कर सकते हो क्या? और लेकिन वहां भेजने की तुम तैयारी में नहीं हो क्या? महाराज आशीर्वाद लेने आपसे ही आते, महाराज आशीर्वाद दे दो, अच्छा पढ़ जाए और अच्छी जॉब लग जाए, ये आशीर्वाद काय का है? हमसे बच्चे बहुत हमेशा के लिए दूर हो जाए, इसका है ना, हम दें आशीर्वाद। तो फिर ऐसा आशीर्वाद पालो कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के बड़े भले ही हो जाएं, लेकिन उसके बावजूद किसी निमित्त से यदि हमारे घर में वापस लौट करके आए, उसी सशक्त निमित्त का नाम है पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से बनने वाला वो पाषाण निर्मित जनालय, जो तुम्हारे बच्चों को भी तुम्हारी गिरफ्त में रखेगा और तुम्हारी इज्जत को भी तुम्हारी गिरफ्त में रखेगा। बात समझ में आ रही है? समय तो बहुत हो गया, गांधारी की बात आप समझ गए, सबसे पवित्र रिश्ते की आपको दास्ता आज रखी है, इसमें अध्यात्म भी है तो यथार्थ भी है। जैसे अंधकार में पदार्थ दिखाई नहीं देते, वैसे अहंकार में यथार्थ दिखाई नहीं देता, और कई बार हमारा ये अहंकार बन जाता है, हम जो कर रहे ठीक तो कर रहे, अभी तक अपनी बुद्धि से चलते रहे और अपना ही कबाड़ा निकालते रहे, अपना ही दिवाला निकालते रहे। एक बार गुरु की बुद्धि से चलना प्रारंभ कर देना, तुम्हारा दिवाला तो नहीं निकलेगा लेकिन दिवाली अवश्य निकल सकती है। हो सकता है इस चतुर्मास की दिवाली तुम्हें मिल जाए और उसके बाद हमेशा के लिए दिवाली जैसी रोशनी तुम्हारे जीवन में मिल जाए। मुट्ठी समझ में आती ना, एक मुट्ठी बांध के रखना और एक मुट्ठी खोल के रखना। जन बल की बात आए तो मुट्ठी बांध के रखना और धन बल की बात आए तो मुट्ठी खोल के रखना, क्योंकि ये मुट्ठी खोलना मात्र मुट्ठी खोलना नहीं माना जाता, तुम्हारी किस्मत खोलना माना जाता है। अभी तक तुम जिन जिन चीजों के लिए अपनी मुट्ठी खोलते रहे वो किस्मत को बंद करती रही, एक बार अपनी मुट्ठी को खोल के देखना, एक ही बार, ज्यादा नहीं करना। ये अंतिम मौका है आपके मंदिर की दृष्टि से दान देने का, अंतिम, दूसरी बार का मौका आने वाला है ही नहीं। वो तो आपने अपना व्यवहार बताया है कि हम कितने व्यवहारी हैं अपने गुरु महाराज से अथवा उस मंदिर से, लेकिन अब आगे जो आने वाला होगा, यदि महाराज आप नंबर भी बढ़ा रहे हो फिर शंका भी पैदा कर रहे हो, नंबर पूरे बढ़ तो जाएं, लेकिन इन लोग जब ललितपुर में आए थे, शायद आप लोग को ज्ञात नहीं होगा, ये आप लोग की किस्मत का ताला खोलने के लिए आए थे। कैसा? क्योंकि जिनालय तो तब बनेगा जब तुम्हारे पुण्य का द्वार खोलेगा, और पुण्य का द्वार खोलने के लिए यदि मंदिर के द्वार को खोलने का जिम्मा यदि यहाँ की वीरांगना ने ले लिया है, तो पक्का तुम्हारा जनालय भी बनेगा, तुम्हारा शिखर भी बनेगा, और एक दिन तुम्हारे जीवन में गुरुदेव के आशीर्वाद का वो अपने आप में वलसभा प्राप्त होगा जिसकी हमने पिछले 6 वर्षों से अनदेखी की है। कलंक तो बहुत लगा चुके हो, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं कि पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद कभी किसी प्रकार से विफल हुआ हो, विफल तो अभी भी नहीं हुआ, लेकिन सफल बनाने में तुमने अभी कुछ कमजोरी अपने हाथ रखी है, आपस के मनमुटाव तमाम छोटी छोटी चीजों को लेकर के, अरे खूब तो बोल रहा है पैसा वे, उसके बावजूद भी क्या हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते? आज से कमेंट करना बंद कर देना, तुम्हारे पास देने की सामर्थ्य नहीं है तो तुम्हें ये सामर्थ्य किसी ने नहीं दी कि देने वाले के तुम कमेंट करो, क्योंकि तुम ऐसा कह करके अपने जीवन में उन्नति के सारे सोपान बंद कर लेते हो और हमेशा देव शास्त्र गुरु के सामने बैठना प्रारंभ कर देना, क्योंकि भगवान के सामने जो होता है, वास्तु भी कहता है उन्नति उसी के होती है, और जो भगवान के आजू बाजू हो गया, पीछे चला गया, मंच के पीछे जाकर के बैठने लग गया और भगवान की पीठ के पीछे जो गया, बेड़ा गर्क हो गया। क्या करना? बेड़ा पार की बेड़ा गर्क। तो हमेशा गुरुओं के सामने बैठना प्रारंभ कर दो, पीठ पीछे नहीं, ना पीठ पीछे कोई दूसरे की बुराई करना, ना गुरुओं के पीठ पीछे बैठना। और जब पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज का आशीर्वाद आपको मिला ही है, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद तो स्वयं साक्षात देकर के गई है, हो सकता है पूज्य गुरुदेव ने ही पूज्य समय सागर जी महाराज को ये प्रेरणा दी हो कि तुम कुछ को वहां भेज दो, कुछ कौन है भगवान जाने, भगवान जाने। और फिर उसके बाद इस कुछ में भी अपनी अनुशंसा पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज ने भी की हो, और इतना ही नहीं, कल हम बताना भूल गए, पूज्य मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज का भी आशीर्वाद और अनुशंसा आई,
पूज निर्यापक श्रवण वी सागर महाराज की भी, पूज मुनिवर्षी प्रणम सागर जी महाराज की भी, ऐसे बड़े बड़े महाराजों का आशीर्वाद आप सबको आया है। उन आभूषणों से तुमने इस नश्वर काया की मात शोभा बढ़ाई, लेकिन शोभा तो नहीं बढ़ी, ईर्ष्या बढ़ गई। वो पहने थी पता नहीं कहां से लाई थी, बोलते कि नहीं बोलते। कितनों को तुम्हारे सामने देख करके, सामने तो मुस्कान देते हैं लेकिन बाद में देखो कुटिल मुस्कान देते हैं। तुम्हारे हाथ पैरों में पहन, जितने भी तुम आभूषण पहने हो उसको देख करके कितने लोगों को खुशी होती है, तुम्हारे घर के लोगों तक को नहीं होती, पड़ोसी और दूसरों की तो बात छोड़ दो। तो ईर्ष्या बढ़ाने के लिए तुम्हारे आज पास इतनी जोड़ के रखी संपत्ति है, उस ईसा की बजाय इज्जत बढ़ाने वाली संपत्ति लाना चाहते हो। तो जब वीरांगनाओं ने तो बड़े बड़े काम के निर्माण के लिए अपने मंगल सूत्र को भी दान करना प्रारंभ कर दिया, सोचो भामाशाह जब महाराणा प्रताप पर आपत्ति आई तो भामाशाह ने यह कहा कि मैं तो पूरा अपना खजाना खोलने के लिए तैयार हूं, लेकिन भामाशाह की पत्नी ने कहा कि तुम तो खजाना खोलोगे खोलोगे, मैं अपने पूरे आभूषण लेके आई हूं, इसको भी अच्छे काम में लगा दो। लेकिन सारे आभूषण देखने के बाद भामाशाह ने ऐतराज व्यक्त नहीं किया, लेकिन जब मंगलसूत्र भी देख लिया तो भामाशाह कहते हैं अरे कम से कम इसको तो बचा लेती। तो वो जवाब देती है इसको बचा के मैं क्या करूंगी, जब आपको बचाने के लिए मैंने पूरा ये मंगलसूत्र धारण किया था, आप तो पूरे राज्य को बचाने के लिए अपना खजाना लुटाने के तैयार हो, आप मेरे सामने हैं, अब मुझे मंगलसूत्र की आवश्यकता नहीं, अब तो मंगल कामना की आवश्यकता है। सोचो ऐसी भामाशाह जो जैनत्व की गौरव माने जाते हैं, वो उसकी पत्नी भी जैनत्व की गौरव गाथा लिखने वाली मानी जाती है। तुम सबके जीन्स में तो वही खून दौड़ता है जो वीर प्रभु की संतान में था। वीरों की संतान होगी नहीं बताओ, शीतलनाथ भगवान की संतान होगी नहीं, तुम्हारा खून कहीं विकृत तो नहीं हो गया, तुम्हारे जीन्स कहीं बदल तो नहीं गए, और नहीं बदल गए तो शीतलनाथ भी पूज और वेदी पर विराजमान तभी हुए जब उनने छोड़ना प्रारंभ कर दिया। जोड़ने के बाद आज तक कोई पूज हुआ तो इतिहास बता देना, लेकिन जिसने जोड़ के बाद भी उसको तृण के समान अच्छे कार्यों में छोड़ना प्रारंभ कर दिया, उसकी प्रसिद्धि भी हो गई और एक दिन जाके उसकी विशुद्धि सिद्धि के लिए भी कारण बन गई। आप सबको भी सिद्धि प्राप्त हो इन्हीं भावनाओं के साथ। अहिंसा परमो धर्म की।